गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड. दिस इज़ योर मैथ लेक्चर. टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 3E, सम्स नंबर 4. जितेंद्र हैड रुपीज़ 9000 विद हिम. कि जितेंद्र के पास 9000 रुपीज़ हैं. ही बोट अ फैन फॉर रुपीज़ 8918 रुपीज़. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम. कि जितेंद्र के पास कुल टोटल रुपीज़ कितने हैं, 9000 रुपीज़. और उसने फैन ख़रीदा है, वो कितने का ख़रीदा है, 8918 रुपीज़ का. तो अब हमें ये बताना है कि उसके पास कुल टोटल कितने रुपए बचे हैं. देखो बेटा, हम कैसे करेंगे. जितेंद्र हैड मनी, कि जितेंद्र के पास कितने रुपीज़ हैं, 9000 रुपीज़. ही बोट अ फैन रुपीज़ 8918. मनी वॉज लेफ्ट, तो कितनी मनी बची उसके पास. जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 82. तो आंसर लिखेंगे हम 82 रुपीज़. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. कि हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 9999, और स्मॉलेस्ट डिजिट का 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट का 100. तो उसके बीच का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100. अब डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9899. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर इज 5098. इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 3215, फाइंड द अदर नंबर. कि आपको एक नंबर दे रखा है, वो दे रखा है 5098, टू नंबर्स का जो सम होता है, और उसमें से एक नंबर दे रखा है 3215. ठीक है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. देखिए बेटा, सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स क्या है, 5098. वन ऑफ दैम, उसमें से एक कौन सा है, 3215, और अदर नंबर जो माइनस करके नंबर आएगा वो हमारा दूसरा नंबर होगा, तो क्या है, 1883. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी ऐड टू 5107 टू मेक इट इक्वल टू 7000. कि अगर हम 5107 में क्या ऐड करें कि वो हमारा 7000 बन जाए. ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 7000 में से 5107 को माइनस करेंगे, तो जो हम 5107 में प्लस करेंगे, जिसको प्लस करने से हमारा 7000 बनता है, वो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या करा, 7000 में से 5107 को माइनस करा, हमारा क्या आंसर आ गया, 1893. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हू मच इज 9287 ग्रेटर देन 7590. कि आपको 9287 जितना बनाने के लिए 7590 में कितना और बड़ा करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, 9287 में से 7590 को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम 7950 में माइनस प्लस करेंगे, तब हमारा वो इसके इक्वल बन जाएगा. ठीक है, तो 9287 में से 7590 को माइनस करने पर क्या आता है, 1697. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.